का खालसा वाहिगुरू फतेह। अज पहला तो मैं समुचे मीडिया धन्यवाद करदा कि जेडे बड़े शार्ट नोटिस ते पहुंचे ने और सिख कोऑर्डिनेशन कमेटी जम्मू कश्मीर जिहड़ी कि जम्मू कश्मीर दे सिखां नूं एकत्र करन दे लई श्रोमणी डेरा नगाली साहिब दे मुखी महंत मनजीत सिंह जी ने अज तो कोई डेढ़ पौने दो साल पहला उन्हां दी दूर अंदेशी का सदका उन्होंने सिख कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन किया। सो जिस तरह थोड़ा दिन पहले तुसीं वेख्या होना कि जम्मू दे विच एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होई सी जिहदे विच डिस्ट्रिक्ट कठुआ और डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग दियां जिहड़ियां सिख कोऑर्डिनेशन कमेटी का विस्तार किया गया सी उन्हां दियां लिस्टां जिहड़ियां जनतक कीतियां गईयां सन। सो अज डिस्ट्रिक्ट बारामूला दे विच आन दा विशेष कारण जिहड़ा सी इस इकट्ठ दा विशेष जिहड़ा मकसद सी ओह सी सिख कोऑर्डिनेशन कमेटी दा डिस्ट्रिक्ट बारामूला दे विच विस्तार यूनिट और सब यूनिट बनाना। सो मैं मेरे लीगल एडवाइजर एडवोकेट डिप्टी एडवोकेट जनरल बिक्रमदीप सिंह जी को बेनती करांगा कि वह जिहड़ियां साडियां लिस्टां यूनिट और सब यूनिट जिहड़ियां डिस्ट्रिक्ट बारामूला दियां जिहड़ियां वह जनतक करन और मैं एक बार फिर तो इत्थे दी समुचे पतवंते सजना दा और आए हुए समुचे मीडिया दा धन्यवाद करदा कि जिन्होंने आके इस नूं कवर किया और सानू जिहड़ी साडी एक कमेटी है उसनू सरकारां तक और पब्लिक तक पहुँचाने दे विच अपना अपना योगदान पा रहे हैं जी। थैंक यू, सत श्री अकाल जी, वाहिगुरू जी का खालसा जी। आप कीजिए। मैं आप सारे मीडिया वालों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग सारे हमारी शॉर्ट नोटिस पे आज सिख कोऑर्डिनेशन कमेटी जम्मू कश्मीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवर करने के लिए आए। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। सिख कोऑर्डिनेशन कमेटी जम्मू कश्मीर में रहने वाले सिखों की एक ऐसी जमात है जो जम्मू और कश्मीर के पूरे सिखों की नुमाइंदगी है और सिख कोऑर्डिनेशन कमेटी आज से ठीक पौने दो साल पहले जो है वजूद में आई है, जिसका सिर्फ ये काम है कि वो सरदार कम्युनिटी, सिख कम्युनिटी जो जम्मू कश्मीर में स्कैटर्ड जोन में रह रही है या कहीं पर भी रह रही है, उनके जो मसले मसाइल हैं उनको सुनकर सरकार तक ले जाए और अपने जो ग्रीवेंसेस हैं उनका रेड्रेसल करे। मैं आपसे बड़े वाजे तौर पर यह बात बयान करना चाहता हूँ कि सिख कोऑर्डिनेशन कमेटी जम्मू और कश्मीर का किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ कोई तलक नहीं है। ये एक हमारी अपनी कम्युनिटी की एक जमात है जो अपनी कम्युनिटी के इश्यूज़ को लेकर कोशिश ये करती है कि अगर कहीं पे कोई गैप रह गया या कोई हमारी मांग ऐसी नहीं जो पूरी नहीं हो रही है, बड़े प्यार से तरीके से उसको टेक्निकली हम लेके सरकार तक रिप्रेजेंट करते हैं। कोशिश करते हैं कि जो कहीं पे भी हमारे में कोई कोताही रही है या सरकार की तरफ से हो रही है या उनको बात हमने पहुंचानी है तो कोशिश करते हैं सिख कोऑर्डिनेशन कमेटी के थ्रू वे ये बात पहुँचाई जाए। आज जैसे आप देख रहे हैं कि आज हम डिस्ट्रिक्ट यूनिट बारामूला का जो है फॉर्मल तौर पे अनाउंसमेंट भी यहाँ पे कर रहे हैं और आपने देखा होगा अपने सेशन को भी कवर किया कि लगभग दो घंटे का सेशन जो था वो आज यहाँ पे चला। हम यहाँ अपने कम्युनिटी के लोगों के बीच में आए, उनके मसाइल सुने, उनकी तकलीफ़ें सुनी और पिछले दो घंटे से हर एक बुलाने ने ये बताया कि हमारे यहाँ पे जो समस्या है, प्रॉब्लम है वो क्या है। चेयरमैन साहब जो हैं सिख कोऑर्डिनेशन कमेटी के, ये जम्मू से चल के आज इस पब्लिक मीटिंग में जो कम्युनिटी की मीटिंग थी, एक सोशल इवेंट था, नॉन पॉलिटिकल इवेंट था, इसमें हम बैठे और अपने लोगों के संज्ञान लिए कि हमें क्या करना चाहिए और कैसे चल रही है। उसके तहत आज आप सबने सुना होगा कि डिफरेंट स्पीकर्स जो इस डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं, अच्छे शाइस्ता लोग हैं और क्रीम ऑफ द सोसाइटी में गिने जाते हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट ओहदों पे रहे हैं, अपने पब्लिक लाइफ में भी उनका एक रिप्यूट है और हर एक बंदा एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है यहाँ के सोशल फैब्रिक में। मैं सिर्फ इसको यहाँ की इस कम्युनिटी तक महदूद नहीं कर रहा हूँ और ये भी कह रहा हूँ कि सोशल फैब्रिक का ताना बाना मेंटेन करने में भी उनका एक बहुत बड़ा रोल है। तो आज हमने उन सबको सुना और कोशिश की, उन्होंने मिलके एक मेमोरेंडम भी सरदार अजीत सिंह जी जो सिख कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन है उनको दिया है, क्योंकि इनके भी अपने मसले हैं। लोकल इश्यूज़ आपको हर जगह पे मिलेंगे तो लोकल इश्यूज़ को भी एड्रेस करने के लिए आज हम यहाँ बैठे हैं और कोशिश ये करेंगे कि हम सब मिलके, क्योंकि मैंने आपसे पहले ही वाजे तौर पे ये बात
बयान भी की है कि ये यूनिट जो है सिख कोऑर्डिनेशन कमेटी का, ये पूरे जम्मू कश्मीर के रहने वाले जो सिख हैं उनकी अपनी एक नुमाइंदा जमात है, जो नॉन पॉलिटिकल जमात है, सोशल इश्यूज को लेकर ही आगे चलती है। तो आज उसी के हवाले से हम डिस्ट्रिक्ट बारामूला में यहाँ पे आपके सामने रूबरू और आपसे मुखातिब भी हो रहे हैं। सर, यहाँ पे मैं आपको रोकना चाहूँगा कि इस वक्त यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही कि जो यहाँ की DGPC है वो वहाँ उसके मेम्बरान यहाँ पे नजर नहीं आ रहे, क्या उन्हें इनवाइट किया गया था, क्या वो भेदभाव में नहीं है? बड़ा अच्छा आपने सवाल किया है और इस बात का मैं आपको आपकी जानकारी के लिए ऐड करता हूँ, शायद आपको पूरी जानकारी इस बात की नहीं होगी जी। यहाँ पे DGPC के मेंबर साहिबान भी बैठे हैं, ऐसी बात नहीं है कि वो नहीं बैठे। और DGPC की हमारी 17 कमेटियां हैं पूरे जम्मू व कश्मीर में जी। हमने आपसे कहा कि हमने रिमोटेस्ट ऑफ रिमोटेस्ट पार्ट में जो सरदार रह रहा है उसके पास भी जाना है। डीजी कमेटी जब सिख कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन हुआ था उनमें 17 के 17 DGPC जो हैं वो इस सिख कोऑर्डिनेशन कमेटी का हिस्सा है और शाना बशाना वो हमारे साथ खड़े हैं और हम उनके साथ खड़े हैं, क्योंकि वो हमारे इलेक्टेड नुमाइंदे चुने हुए लोग हैं जो एज पर द सिख रिलीजियस गुरुद्वारा एंडोमेंट एक्ट के तहत चुने गए हैं, वो हमारे यहाँ अपने हैं और हम शाना बशाना एक दूसरे के साथ खड़े और चल भी रहे हैं। वैसे खास क्या मसाइल लगते हैं आपको जो सिख कम्युनिटी के हैं जो आप सरकार तक पहुंचाना चाहेंगे? देखिए, ना खास तो मसाइल है नहीं हमारे, और मसाइल यही हैं जो बड़ी देर से चल रहे हैं। उसमें कुछ रिजर्वेशंस के इश्यूज थे, कुछ हमारे ऐसे ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री फ्रूट इंडस्ट्रीज को लेकर इशू थे जो बड़ी देर से हमारी दीदाना मांगे थी कि उनको एड्रेस किया जाए। कुछ पैकेजेस ऐसे हैं जो गवर्नमेंट से हम मिलके इस बात को डिस्कस करेंगे। एक लिंग्विस्टिक रिजर्वेशन की बात चल रही है, क्योंकि सरकार हमारी अपनी है, सरकार एक हम वेलफेयर स्टेट में रहते हैं और वेलफेयर स्टेट का ये काम होता है कि हमने अपनी बातें भी उन तक पहुंचानी है। तो हम आज ये कोशिश कर रहे थे कि प्रॉब्लम एक हो या अनेक हो, हमारी कोशिश ये है कि हम आज जब सारे यहाँ मिलके बैठे हैं कोशिश ये कर रहे हैं कि हम देखें ग्रास रूट लेवल पे आके। जैसे मैंने आपको पहले कहा कि हम इस कोऑर्डिनेशन कमेटी को जम्मू कैपिटल या श्रीनगर कैपिटल तक महदूद नहीं रख रहे हो, शायद मेरे भाई आप लोग प्रेस से भी वाबस्ता है, आपने भी देखा होगा कि आज पहली बार एक जॉइंट प्लेटफॉर्म पे आके हम इनको यहाँ नहीं बुला रहे, आज अपने लोगों के पास डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे आए हैं मसाइल सुनने के लिए, ताकि अगर कोई कमी पेशी रही है हम उसको फोरफ्रंट पे आगे लेकर आके अपने मसाइल का जो हल है वो ढूंढ सकें। थैंक यू। सो डिस्ट्रिक्ट बारामूला में आपने भी देखा होगा, क्योंकि हो सकता है आप सारे डिस्ट्रिक्ट बारामूला से ही, तो सिख का पॉपुलेशन एक साइजेबल पॉपुलेशन, कोई छोटी पॉपुलेशन नहीं है, हर एक प्रोसेस में इनका बहुत बड़ा रोल रहता है। और इसमें कोई बात शक और शुबा भी नहीं है कि ये वो पॉपुलेशन है जो यही पे है, इस बात के भी आपको पता होगा, सोसाइटी के सोशल फैब्रिक में उस अपने भाइयों के साथ मिलके यहाँ पे चल रहे हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि आप हम तक यहाँ के लोग डायरेक्टली नहीं पहुँच सकते, या कुछ कम्युनिकेशन गैप की वजह से भी लोग हमारे से रह जाते हैं। तो आज हमने डिस्ट्रिक्ट बारामूला को लेकर जितने भी हमारी सिख पॉपुलेशन रहती है हमने उसको सोचा कि अकोमोडेट कर रही हूँ, यूनिट बारामूला और सब यूनिट्स जो है आज हम यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं, जिसमें यूनिट के लिए भी हमारे बने हैं और सिख पॉपुलेशन जहाँ जहाँ रहती है कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज जो डिस्ट्रीब्यूट हुई है और कॉन्स्टिट्यूएंसी डिटरमाइन हुई है, हमने वो कोशिश की है कि आज हम वो सारी जितनी भी कम्युनिटी मेंबर्स हैं यहाँ पे उनको लें। उसके लिए ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है, ये हम बाद में आपको ये मैं दिखा रहा हूँ, चेयरमैन साहब मेरे साथ बैठे हैं और जितने भी हमारे सिख कोऑर्डिनेशन कमेटी के मेंबर बैठे हैं वो भी बैठे हैं। दिस इज़ इन अ पब्लिक डोमेन, दिस इज़ अ पब्लिक डॉक्यूमेंट, तो ये पब्लिक के सामने भी आएगा और मैं आप प्रेस भाइयों के साथ भी इसको शेयर कर दूंगा। ये हमारे वो यूनिट है जो रिमोटेस्ट ऑफ रिमोट, क्योंकि सिख कोऑर्डिनेशन कमेटी का मसला ये है कि आप हम तक ना आएं, हम आप तक जाएं और अपनी कम्युनिटी को एक सोशल निटिंग फैब्रिक में इकट्ठा कर सके। उसके तहत चलते हमने डिस्ट्रिक्ट का यूनिट बनाया है और कॉन्स्टिट्यूएंसी चाहे वो टंगामुला है, शालकोट है, चाकचुतलू पातसा है, सरालीगुंडी फगीपुरा है, या उसी से आप चलिए आगे दर्दपुरा है, गोहना है, उपुलना चेक कानूसपुरा है, सिंहपुरा, या टाउन की बात करें या कैलीबाग दीवानबाग उड़ी तक ही उड़ी लास्ट घर इस्लामाबाद, जहां तक सिख कम्युनिटी का कोई भी मेंबर रह रहा है उसको लेकर हम करें। तो आज हमने ये सारी कमेटी जो है ये हमने गठित कर दी है, मैं आपके सामने इसके नाम भी पढ़ के आपको सुना रहा हूं, क्योंकि पब्लिक डोमेन में डॉक्यूमेंट है, सबके पास रहना चाहिए, ऐसा नहीं है कि कोई भी काम जो हमारा है वो आपसे दूर रहे। तो यूनिट बारामूला को लेकर हमने जो जिन नामों का, क्योंकि ये वो नाम है जो हमें यहाँ डिस्ट्रिक्ट बारामूला से मिले, हमने अपना नाम इसमें कोशिश की थी अगर ऐड भी करते नहीं कर पाते, क्योंकि हमने लोगों तक रीच किया कि आप हमें नाम दे दो, जो नाम आप दोगे हम उसी को आगे लेकर चलेंगे। यूनिट बारामूला में तेजपाल सिंह, करण सिंह आज़ाद, दिलावर सिंह, मनमीत सिंह मेंबर GPC,
एडवोकेट हर्षन पाल सिंह, प्रभ दयाल सिंह, नरेंद्र पाल सिंह, राजेंद्र सिंह मेंबर जीपीसी, इचपाल सिंह, सनी खालसा और बलविंदर जी, ये हमारे यूनिट के मेंबर होंगे। उसके बाद जो सब यूनिट्स कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज, क्योंकि हर बंदे की रीच कोऑर्डिनेशन कमेटी तक जो है वो रहनी चाहिए। टंगामूला चनमा जो आपका रिमोटेस्ट पार्ट है रफियाबाद का लेकर, हमने वहां तक भी रीच की है। उसमें जसबीर सिंह जी, निर्मल सिंह, प्रीतिपाल सिंह, गुरनाम सिंह, जसबीर सिंह, प्रीतपाल सिंह, इंद्रजीत सिंह, दलजीत सिंह, बलजीत सिंह, दलजीत सिंह सतना, राजेंद्र सिंह, जसमीत सिंह एंड रविंदर सिंह। इसी तरह से शालकोट पाजला के लिए ओंकार सिंह, सुलिंदर सिंह, टिका सिंह, कुलबीर सिंह, प्रोफेसर सतवंत सिंह और राजेंद्र सिंह जी हैं। चाकसूतू के लिए निर्मल सिंह जी, प्रीतम सिंह, नरेंद्र सिंह, कंवल नैन सिंह, मनजीत सिंह, कुलबीर सिंह, सराली गुंडी, याराबोग और फगीपुरा, परमजीत सिंह, विक्रम सिंह, सुरेंद्र सिंह, बलदेव सिंह, बलबीर सिंह, दमोदर सिंह एंड खोजा सिंह। दर्दपुरा टंगमरे के लिए कुलदीप सिंह, बलबीर सिंह, मनजीत सिंह, अवतार सिंह, रविंदर सिंह, हरमीत सिंह और मनमीत सिंह। गोहन के लिए सेवा सिंह जी, इशपाल सिंह जी, सूरज सिंह, दारा सिंह, नरनबीर सिंह, जनक सिंह, बलबीर सिंह, गुरमीत सिंह, जगदीश सिंह, मनजीत सिंह एंड गुरमीत सिंह। उपलना चक कानसपुरा के लिए सूर्य सिंह, अमरीक सिंह, बहादुर सिंह, सुखविंदर सिंह, राजेंद्र सिंह, राजवीर सिंह, इंद्रजीत सिंह, सुमंदर सिंह, अमरीक सिंह, जेपी सिंह, बलदेव सिंह, जसबीर सिंह, गुरविंदर सिंह, मनमीत सिंह। इसी तरह से सिंहपुरा डीडी सिंह जी, जगबहादुर सिंह जी, मनजीत सिंह जी, जरनैल सिंह जी, सुलेंद्र सिंह जी, बलदेव सिंह, कृपाल सिंह जी, अवतार सिंह जी, जसवीर सिंह जी, राजवीर सिंह जी एंड जसपाल सिंह जी, मनजीत, जेपी सिंह जी, वरिंदर सिंह जी, ये मनजीत सिंह जटी रोड वाले हैं, चंचल सिंह जी, तनजीत सिंह जी, अनूर सिंह जी, शेरवानी कॉलोनी, डॉक्टर हरमन सिंह जी, दारा सिंह जी, हरविंदर सिंह जी, गुरदीप सिंह जी, एक्स मेंबर डीजीपी, गुरदीप सिंह जी, जगजीत सिंह, मास्टर इंदर सिंह जी, भूपिंदर सिंह, मनजीत सिंह, खुजबाग, दविंदर सिंह, बलबीर सिंह, कुलबीर सिंह, रविंद्र पाल सिंह, परमवीर सिंह, बलबीर सिंह, दलजीत सिंह, जरावर सिंह, सतपाल सिंह, सुखविंदर सिंह और सुरजीत सिंह। इसी तरह काइंडली बा के लिए एडवोकेट करनैल सिंह जी, गुरमीत सिंह जी, मास्टर जी, महेंद्र सिंह जी, रैना जी, बलदेव सिंह जी, मास्टर जी, बहादुर सिंह जी, मास्टर जी और कुलबीर सिंह जी सोडी। दीवान बाग गुड़ी के लिए राजेंद्र सिंह, करण सिंह, करण सिंह हाथियार, नेतर सिंह जी इस्लामाबाद उड़ी, करण सिंह जी बैंक उड़ी। तो आज इस लिस्ट को आपके सामने पब्लिक करने का और आपके सामने रूबरू होने का हमारा यही मसला था कि आज हम जो कोशिश कर रहे थे कि सिख कम्युनिटी लखनपुर से लेकर इस्लामाबाद तक एक यूनिट में बंधी जाए, उसमें हम कहीं ना कहीं ये सोच रहे हैं कि हम कहीं ना कहीं कामयाब हो रहे हैं, क्योंकि जो जम्मू में हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, पहली कमेटी जो हमने अनाउंस की थी वो कठुआ की थी, जो विच इज़ द स्टार्टिंग फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट, और आज हम उस लास्ट गाँव तक पहुँचे हैं इस्लामाबाद उड़ी तक। तो इससे आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि हम कितने हैं, और ये लिस्ट जो है ये फाइनल अभी तक के लिए, लेकिन इसमें जो भी सज्जन आएंगे, क्योंकि सारे ही कोऑर्डिनेशन कमेटी का ना किसी के साथ बैर है ना कुछ है, जो भी आएगा वो हमारे साथ चलने के लिए तैयार है, हम उनके साथ चलने के लिए तैयार है। सो मैं आप सब की वसाकत से आप लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने आज माह रमज़ान के महीने में भी हमारे लिए टाइम निकाला, आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू। और मीडिया पर्सन्स का तो हमेशा हम करते हैं, क्योंकि हमारी जो आवाज़ है वो आपके ही थ्रू एजेंसी से गवर्नमेंट तक पहुंचती है, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। निर्मल सिंह जी और हरजीत सिंह जी ड्यूक, जो कि सिख कोऑर्डिनेशन कमेटी जम्मू कश्मीर के सेंट्रल बॉडी के मैंबर ने, उन्हों का उपराले का सदका अज असी सारे इतने बैठे हाँ। डिप्टी एडवोकेट जनरल बिक्रमदीप सिंह जी, सुरेंद्र सिंह सन चनी जी, जगमीत कौर जी प्रेजिडेंट सिख मिनोरिटी इंपलॉयज एसोसीएशन, बलबीर सिंह जी सोडी डिस्ट्रिक्ट सपोर्ट ऑफिसर्स, दलजीत सिंह जी वजीर, परमीत कौर जी डीडीसी मेंबर रफियाबाद और एडवोकेट करनैल सिंह जी, और इतने पहुँचे हुए समुचे पतवंते सज्जन, समूह संस्थावां दे मुखी, जिस तरह वीर जी ने कहा कि यह बारामूले और कुपवाड़े की क्रीम है, सो समुची क्रीम, आओ मिलकर दसम पिता की बख्शी हुई फतेह की संत करिए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। पहला तो मैं गुरु साहबान का कोट कोट धन्यवाद करदा कि उन्होंने बख्शे हुए उपराले का सदका अज असी सारे इत्थे गुरु साहब की चरण छो धरती दे बारामूले विखे, अज असी सारे कौम की समाज की चढ़ती कला के लिए एकत्र होए हैं। बड़ी वड्डी गल है कि कौम का दर्द रखने वाले अज जिस टाइम कौम की समाज की एकत्रता की गल होई है, असी सारे एकत्र हो के उस कौम की समाज की चढ़ती कला के अपना अपना योगदान पाने के लिए पहुंचे हाँ। उपरंत मैं धन्यवाद करदा श्रोमणी डेरा नगाली साहब के मुखी महंत मनजीत सिंह जी का, क्योंकि जिस तरह मेरे वीर बिक्रमदीप सिंह जी ने दसिया कि बहुत सारिया मीटिंग्स पहले हो चुकी सन कि किस तरह जम्मू और कश्मीर के जड़िया ये वंडिया पाइया जाए, इस वंडिया खत्म करने के लिए की उपराला किया जाए,
सो महापुरुषों की दूर अंदेशी का सदका उन्होंने जम्मू और कश्मीर नूं इकत्तर करन दे लई और साडे कौमी और समाजिक जो मसले मिसाइल हैं उन्हां नूं सरकारे दरबारे पहुँचा के उन्हां मसलियां दा हल कढ़न दे लई और समुची कौम नूं इकत्तर करन दे लई इस सिख कोऑर्डिनेशन कमेटी जम्मू कश्मीर दा अज तों तकरीबन पौने कु दो साल पहलां गठन किया सी। मैं बड़े बुलारियां कोलों सुनिया कि बहुत देर दे बाद कश्मीर तक पहुँचे कहने जब कोई बिल्डिंग बनानी होंदी है ना तो पहला बेस मजबूत करना चाहिए क्योंकि तुसी नीह खांदे हो बेस बनाते हो उपर आपां बिल्डिंग बनाते हाँ तो यह समझ लो कि यह भी सिख कोऑर्डिनेशन कमेटी का एक बेस मजबूत करन दे लई जिहड़ा इस साल सवा साल डेढ़ साल का टाइम लगे है अज सिख कोऑर्डिनेशन कमेटी का बेस इन्ना को मजबूत है कि असी उस दे उपर असी सारे मिल के उह जी बिल्डिंग की उसारी कर सकते हाँ जिस दे विच असी कौम दे समाज दे जिन्ने भी रहिंदे कारज हन असी एक प्लेटफॉर्म ते आ के असी एक बैनर दे थले आ के असी एक निशान दे थले आ के उन्हां प्रॉब्लम्स दा हल कढ़न दा चेयरमैन अते ट्रांसपोर्ट दे जम्मू कश्मीर दे चेयरमैन अजीत सिंह जी कोऑर्डिनेशन कमेटी दे एडवाइजर बिक्रमदीप सिंह जी एडवोकेट सरदार बलबीर सिंह जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। सब तो पहला मैं अपने पेरेंट डिस्ट्रिक्ट च आके इतना कट अच पहली बार देखा है तो आई एम सो हैप्पी टू सी यू ऑल हेयर। मैं जिदा सर ने मेरा तारुफ दिता कि आई बिलोंग टू दिस डिस्ट्रिक्ट एंड आई एम सो प्राउड दैट कि आज मैं इधर आई हाँ कोऑर्डिनेशन कमेटी दे नाल। कोऑर्डिनेशन कमेटी दे नाल आन दा इको पर्पस सी कि जिस टाइम असी ऑल सिख माइनॉरिटी इंप्लॉयज एसोसिएशन बनाई साड़ी भैन सुपिंदर कौर जी की असासीनेशन तो बाद असी ये रियलाइज किया कि सरदार कम्यूनिटी जी इंप्लॉय कम्यूनिटी है बहुत ज़्यादा निगलैक्टेड कम्यूनिटी है। असी कोशिश की एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी इंप्लॉयज के लैन ली असी ऑनरेबल एल जी सर कई बार मिले कि साढ़े ओ वीर ओ पैणा जिहड़े डिफरेंट ऑल्टीट्यूड्स ते काम कर रहे ने उन्होंने एक सेफर प्लेस ते लाया जाए ते असी सब तो पहला यो इनिशिएटिव लैके चले कि सेंस ऑफ सिक्योरिटी लई साडा सेफर प्लेस ते आना बहुत जरूरी है ते विद द ब्लेसिंग ऑफ ऑलमाइटी असी इस चीज विच कामयाब होए। इंप्लॉयज दे बतेरे इशूज ने एंडलेस इशूज ने मैं उहदे विच ना जाके अज इस प्लेटफॉर्म से तुसी सारे इंप्लॉय थोड़े सारे के घर में कोई ना कोई बंदा गवर्नमेंट इंप्लॉय होएगा साढ़े इंप्लॉयज कट्ठा होना जिस तरह कोऑर्डिनेशन कमेटी के बैनर के अंडर असी कट्ठा होना साढ़े लिए बहुत जरूरी है इस तरह इंप्लॉय कम्यूनिटी ने भी कट्ठा होना बहुत जरूरी है। तुसी सारे इस गल एग्री करोगे कि सिर्फ ट्रेड बॉडीज जी सन वो ट्रेड बॉडीज साड़ी मेजॉरिटी कम्यूनिटी की सन तो साड़ी इंडिविजुअल आवाज जी सी वो दबी हुई सी ये जी बॉडी है ताड़ी अपनी बॉडी है ये नाल जुड़ो कि मैं अपने वीर सरदार अजीत सिंह जी ने मुबारकबाद दे दी कि उन्होंने ऐसा इनिशिएटिव चुकिया तो साड़ियां नू कोऑर्डिनेट किया तो थैंक यू वीर जी इन वर्ड्स के नाल मैं सारे नू थैंक यू कहनी हाँ तो आई विल टेक पार्ट थैंक यू सो मच। ਵਿਛਾਣਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਠੂਏ ਲਖਨਪੁਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੰਚ ਤੇ ਬੈਠੇ ਮੇਰੇ ਅਤਿ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਿੱਖ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਦਾਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੰਨੀ ਮੇਰੀ ਭੈਣ जगमीत कौर प्रेजिडेंट सिख मनाटी इंप्लाइज एसोसीएशन मेरी भैन परमीत कौर मैंबर डीडीसी रफियाबाद साबका प्रधान कुपावाड़ा सरदार राजेंद्र सिंह जी मेरे मानयोग वीर बलबीर सिंह जी डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट ऑफिसर सरदार डीडी सिंह जी मेरे सीनियर एडवोकेट करनैल सिंह जी सरदार दलजीत सिंह जी वजीर ते होर सज्जन सज्जन जिहड़े मेरे बजुर्ग मेरे वीर इत्थे बैठे ने
आओ सब तो पहले असी महाराज की फक्षी फतेह की सांझ करिए गजाइए वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। आप सारे आज सोशल मीडिया के दौर के जाणू हो और बड़े ही बुलारियों तो जिहड़े मेरे तो भी सूझवान बुलारे क्योंकि सारे ही मेरे वड्डे अति सत्कारयोग तुहाडे सामने अपने विचार जिहड़े ने रख चुके ने उन्हां गल्लां च ज़्यादा जाण दी लोड़ नहीं है क्योंकि अजकल अनपढ़ दा या योग नहीं पढ़े लिखण दा दौर है ते बंदा अज आपे ही असरटेन कर सकता है कि सच की है ते झूठ की है। मीटिंग है ये कोई सियासी मीटिंग नहीं है कोई बंदा इस कंफ्यूजन भी नहीं रहेगा अगर ये सियासी होंगी तो साढ़े चनी भीर नहीं आते इतने दी कोऑर्डिनेशन कमेटी नू और कोऑर्डिनेशन कमेटी का मैं तुहानू एक गल दसा मैं वीर जी नू कहांगा अजीत जी नू कि अगर उत्साह ने यह बीड़ा चुकया है फिर तुसी अज वादा करके जाना है कि असी तुहानू छड़े वाले नहीं है क्योंकि हम सारे लोग नहीं है इतने जड़ा भी कमेंडमेंट होगी तो साढ़ा जड़ा भी मसला होगा असी डायरैक्ट उन्होंने को पहुँचाना है। एक सिस्टम बनेगा सिस्टम स्टेप वाइज सिस्टम बनेगा डिस्ट्रिक्ट वाइज सिस्टम बनेगा फिर सिटी विच बनेगा फिर जाके अगे सेंटर सारे जम्मू तो आए ने बारामूला कुपवाड़ा दी सुमो संगत भी इत्थे इकट्ठी हुई है बड़े वीर ने अपनी तकरीरां कीतियां ने फलाने ने काम कराया फलाने ने कराया और सानू स्टेज ते आके झूठ नहीं बोलना चाहिए असी झूठ बोल के चापलूसियां करके अजे तक तबाह हो मैं मैट्रिक पढ़ता सा जग मैं मनजीत सिंह कलकत्ते दे नाल स्पीच की सी गुरुद्वारा छठी पातशाह जी अज साडे कोल स्टेज नहीं है असी राह ते आ गए सिख अपनी गल राह ते कर रहा है अज जिस स्टेज ते गवर्नमेंट आके देखती सी कि अज की मता पास हो रहा है परेशान होती सी याद आते ने सानू स्पीकर सरदार करतार सिंह जी सानू याद आते ने सुरगिया सरदार जनक सिंह जी अज तुहाडे तो स्टेज भी खोया गया है आज जरूरत अगर है वो है इकट्ठा होने की और मैनु उम्मीद है असी इकट्ठे नहीं होवांगे असी साहिबे कमाल गुरु गोबिंद सिंह तो कदे 1984 का सानू कलों कला याद है बीजेपी सरकार आई जिहड़ी चीज छुट गई सी वह उन्होंने की थी पहले आंदिया आंदिया सिख रेजिमेंटा नू फौज परेड विचों कर दिता गया भुल गया तुहानू की तुहानू भुल गया है अज असी नवी गल्लां करदे हाँ कि फलाना फलाना करे चेयरमैन साहब जे तुसां बेड़ा चुकिया है सानू खुशी है असी तुहाडे नाल असी तुहाडा दिल नहीं तोड़ना चाहते ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਨਾਲ ਜੋੜੋ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤੋੜ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੰਮੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦਾ ਦਰਦ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਸ ਪੀਰੀਅਡ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ कि प्राइवेट सैक्टर को बहुत ज़्यादा नुकसान होया है कि उन्होंने बंद चले हैं क्योंकि जो गवर्नमेंट लेकिन इन्होंने बंद और स्ट्राइक का बहुत ज़्यादा इफेक्ट होया है ये उन्होंने वही गल दसी है। हुण साढ़े को सरदार राजेंद्र सिंह जी जिहड़े कि आल इंडिया सिख स्टूडेंट फैडरेशन के प्रधान हैं स्टेट के उसू इतने आके आप जी इस विषय में होर अगे तोरनगे ताकि असी उन्होंने विचार भी सुन सकी। वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतह।